अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ इस्लामिक क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। हम पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में और भी पार्ट लेकर आऊँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नबी कौन थे? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ थीं? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियाँ थीं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन बेटे थे। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के आठ दरवाजे हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। कुरान में कौन से नबी का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है? कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है। जंगे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग कब हुई? इस्लाम की सबसे पहली जंग रमज़ान में हुई। इस्लाम की सबसे पहली जंग में कितने मुसलमान शामिल थे? इस्लाम की सबसे पहली जंग में 313 मुसलमान शामिल थे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पैदा किया? अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म क्या है? इस्लाम का सबसे पहला हुक्म तौहीद है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।